लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में लोगों से मिलना जुलना मिस कर रहे हैं। वैसे तो ठीक है, वीडियो चैट हो जाती है, फोन पे बात हो जाती है, लेकिन मिलना जुलना एक अलग चीज होती है, वो सच में मिस कर रहे हैं। सामने बैठना, सबके साथ बैठ के भोजन करना, सबसे बातें करना, ये चीज सच में मिस कर रहे हैं। लॉकडाउन में आप इतना टाइम पास कैसे करते हैं? मुझे तो ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरा संगीत का अभ्यास 4-5 घंटे चलता है। फिर बहुत से स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं, उनको संगीत सिखाता हूँ। अपना योगा, प्राणायाम, कुछ देर ट्रेडमिल, उस पर बहुत समय निकल जाता है। कुछ किताबें पढ़ता हूँ, फिर बहुत से सोशल मीडिया के काम करता हूँ। सारी दुनिया में लाइव चैट में जुड़ जाता हूँ। कल पाकिस्तान में भी 50,000 लोगों से जुड़ गया था, उनको मैं भजन सुना रहा था। पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वे मुझसे बात करना चाहते थे। तो इस तरह दुनिया भर के लोगों से बातचीत होती है। तो ये 24 घंटे जो कम पड़ जाते हैं, बहुत से काम रह जाते हैं जो कल होंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन यही समझिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस समय का सदुपयोग करना है। लॉकडाउन की वजह से कोई ऐसी बात जो आपको घर रहकर महसूस हुई? लॉकडाउन में घर में रहकर एक चीज महसूस हुई कि न जाने कितना कबाड़ घर में रखा है जो हम यूज नहीं करते और पड़ा हुआ है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता था। तो घर की सफाई भी अच्छी हो रही है। ऐसे बहुत से कपड़े जो हमने 2 साल से पहने नहीं, वो रखे हुए हैं, वो तो पहनने वाले नहीं है, वो निकाल रहे हैं। पुरानी दवाइयाँ निकल के आ रही हैं, वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह घर जो है पहले से साफ सुथरा हो रहा है, ये भी एक फायदा हुआ इससे। जो लोग घर रहने से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? जो लोग घर में रह के परेशान हो रहे हैं, जो भी लोग इस लॉकडाउन में ये सोच रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है, वो जरा इसको पॉजिटिव ले लें। वो ये सोच लें कि ये जो समय मिला है, इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। अपनी इम्यूनिटी अच्छी करिए, विटामिन सी, आंवला, संतरे, नींबू, इन सब चीज़ों को लेके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, जिससे कि कोई वायरस आपको टच ना कर पाए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, जिससे कि आपके अंदर एक गंभीरता आए, आपके अंदर सौम्यता आए, आपके अंदर धैर्यता आए। ये सब चीज़ें आगे काम आएंगी। पता नहीं, ये अभी तो कोरोना आया है, क्या पता था, इसका नाम भी नहीं हम जानते थे। आगे चल के कोई डरोना आ जाएगा, तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। तो अपने को स्ट्रांग बनाइए और तैयारी कीजिए आने वाली और कोई मुसीबत से लड़ने की। 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, इसका ध्यान रखिए। हाथ धोते रहिए दिन में कई बार साबुन से कम 20 सेकंड्स के लिए, और जैसा कि मैंने कहा, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग है ये। मास्क लगाइए, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं मास्क लगा लीजिए। जो लोग घर रहने से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? जो लोग घर में रह के परेशान हो रहे हैं, जो भी लोग इस लॉकडाउन में ये सोच रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है, वो जरा इसको पॉजिटिव ले लें। वो ये सोच लें कि ये जो समय मिला है, इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। अपनी इम्यूनिटी अच्छी करिए, विटामिन सी, आंवला, संतरे, नींबू, इन सब चीज़ों को लेके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, जिससे कि कोई वायरस आपको टच ना कर पाए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, जिससे कि आपके अंदर एक गंभीरता आए, आपके अंदर सौम्यता आए, आपके अंदर धैर्यता आए। ये सब चीज़ें आगे काम आएंगी। पता नहीं, ये अभी तो कोरोना आया है,
क्या पता था, इसका नाम भी नहीं हम जानते थे। आगे चल के कोई डरोना आ जाएगा तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। तो अपने को स्ट्रांग बनाइए और तैयारी कीजिए आने वाली और कोई मुसीबत से लड़ने की। 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, इसका ध्यान रखिए। हाथ धोते रहिए दिन में कई बार साबुन से कम 20 सेकंड्स के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग है ये। मास्क लगाइए, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं मास्क लगा लीजिए।